हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्ते, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में जिसका नाम है सपना जंगनवाल। दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि हम सारी चीज़ों को, बड़ी बड़ी चीज़ों को तो ऑर्गेनाइज करके रख देते हैं, पर हमारी कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन्हें हमें ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, पर हम उन पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, जो कि वक्त पड़ने पे हमारे बहुत ज़्यादा काम भी आती है। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं इन छोटी छोटी बॉटल्स का, इस टिकटैक के डिब्बे का, इन सब चीज़ों का क्या कर रही हूँ। तो मैं आपको आगे वीडियो में बताती चली जाऊँगी, तो आप वीडियो को प्लीज़ एंड तक जरूर देखें बिना स्किप किए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। हम आज का हमारा जो ये टॉपिक है, ये है ये सेफ्टी पिंस। यहाँ दोस्तों, ये जो हमारी सेफ्टी पिंस है, हम इन्हें बहुत बार ऑर्गेनाइज करना भूल जाते हैं, या फिर टाइम पे हमें ये छोटी छोटी सेफ्टी पिंस नहीं मिलती है, जो कि बहुत काम आने वाली चीज़ है। मेरी सेफ्टी पिन वाली वीडियो को आप सबने बहुत बहुत प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने मेरा वो वीडियो मिस कर दिया, या फिर मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं, तो मेरी ऐसी छोटी छोटी इंपॉर्टेंट टिप्स वाली वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो एंड तक जरूर देखें, और मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ताकि अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया तो आप उसे जाके जरूर एक बार चेकआउट कर लें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी गपशप के टॉपिक को शुरू करते हैं और बताते हैं कि इन सारी सेफ्टी पिंस को हम कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो उसे ऑर्गेनाइज करने के लिए हमारे ड्रेसिंग टेबल पे जो सबसे आसान है, ये कोई भी छोटी, आप प्लास्टिक की हो, स्टील की हो, या कोई भी छोटी बाउल आपकी हो, आप उसे अरेंज कर ले। आप इसे चाहे तो साइज़ बाई साइज़ भी पहले आप इसे अरेंज कर सकते हैं, उसके बाद आप इसे यूँ सारी इस बाउल्स में, देखिए, आप इसे एक जगह रख सकते हैं, ताकि जब कभी भी आपको तैयार होना हो तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत आसानी से मिल जाए। दूसरी जो टिप है वो ये कि जो बहुत पुराने, बहुत पहले से चलता आ रहा है, ये इसी एक ही सेफ्टी पिंस के अंदर में इन सारों को एक जगह अरेंज कर देना। गाइज, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि ये ट्रैवल के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है, बट होता क्या है ना कि जब हम कहीं पार्टी में या कहीं जा रहे होते हैं और हमें हड़बड़ में अगर साड़ी पहननी होती है, तो एक एक को निकालना और यूँ इसे खोल खोल के ये सारी एक साथ में बिखर जाती है, तो ये नॉट अ गुड आइडिया, ठीक है। तो उस वक्त में इन सारी पिंस को ऐसे निकालना और फिर उसके बाद में यूज़ करना, ये बहुत हेक्टिक थोड़ा सा काम हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको आज और कुछ बहुत ही अलग अलग वे बता रही हूँ, ताकि आपको जो इजी लगे, या फिर इसमें कुछ ऐसी भी टिप्स है जो आपकी ट्रैवल फ्रेंडली हो सकती है इन पिंस को लेकर के, तो आप उन्हें भी ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। तो गाइज़, तीसरी जो है वो आप एक ऐसा बैंगल्स ले लें, आपके पास कोई भी बैंगल हो, यूज़फुल हो या फिर बिना यूज़ वाला, आप उनमें बस इसको अरेंज कर सकते हैं। अगर आपको जगह की कमी है तो आप बस इसे यू अरेंज करके और इन सारों को एक साथ में, ये देखिए कुछ ये इस तरीके से आप सारे को एक साथ में करके उसके बाद आप इसे कहीं टांग भी सकते हैं, कहीं भी आप हुक के जरिए इसे रख सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारी नेक्स्ट टिप जो होती है वो बहुत ही यूज़फुल है और ट्रैवल फ्रेंडली के लिए तो बहुत ही अच्छी है, वो है ये टिकटक का ये छोटा सा डिब्बा। इस टिकटक के डिब्बे में आप ढेर सारी सेफ्टी पिंस अरेंज करके रख सकती है, साइज बाई साइज़ भी आप इनमें सेफ्टी पिंस को डाल सकती हैं। और गाइज, इसमें से आपकी सेफ्टी पिन खोने की भी टेंशन आपको ख़त्म हो जाती है, आपके छोटे से बैग में, पर्स में, कहीं भी ये बहुत अच्छे से आ जाएगा। ये देखिए, तो है ना एकदम से ये यूज़फुल टिप। नेक्स्ट है गाइज कि वो भी एक ट्रैवल फ्रेंडली है, कि अगर आप कहीं ट्रैवल पे गए हैं और आपको सेफ्टी पिन ले जाना, और आप हड़बड़ में आपको किसी चीज़ में दिख नहीं रहा है कि आप सेफ्टी पिन किस में यूज़ करें, गाइज उस वक्त में आपको ये आपका कोई भी छोटा सा बैग हो, या फिर आप जो भी हैंडबैग यूज़ कर रहे हैं उसकी ये जो होल होता है, आप इसमें बहुत सारे पिंस को एक साथ, एक या दो पिन, अगर आप कॉलेज गोइंग गर्ल है तो आप प्लीज़ ऐसे अपने बैग के चैन पे एक दो ये पिंस ज़रूर रखें, ताकि कभी भी इमरजेंसी में आपको ये पिंस काम आ जाए। तो है ना ये टिप बहुत ही अच्छी और यूज़फुल भी, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम अपने हैंडबैग्स में, बड़े बड़े जो बैग्स होते हैं उसमें ये छोटी सी पिन अगर रख दें तो हम ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाएंगे, पर टाइम पे तो वो मुझे मिलेगा नहीं, या फिर आई थिंक किसी को भी नहीं मिलेगा, तो ये बहुत बेस्ट तरीका है। गाइस, नेक्स्ट मेरे पास ऑप्शन है, कहते हैं बहुत ही क्यूट सा मेरी बेटी का है ये बॉटल, आप चाहे तो इसमें भी बहुत सारी अपनी सेफ्टी पिन अरेंज करके रख सकते हैं। देखिए, ये सारी सेफ्टी पिंस एक जगह हो गए, ट्रांसपेरेंट होने की वजह से ये दिखेगी भी, और ये देखिए ये रखा हुआ बॉटल भी कितना क्यूट लग रहा है। तो गाइज, आपके पास इस टाइप की ये छोटी कोई ग्लास की कंटेनर या ग्लास की बॉटल हो तो आप उनमें भी अपने सारे सेफ्टी पिंस को बहुत अच्छे से यूज़ करके, ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। ट्रांसपेरेंट होने की वजह से ये ग्लास की बॉटल्स या फिर प्लास्टिक कोई भी कंटेनर हो, ये दिखने में भी आपको आसानी रहेगी और ये दिखने में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। नेक्स्ट है गाइज, ये पेपर, आपको लगता होगा ये पेपर भला क्या काम आएगा, बट अब मैं आपको मैजिक दिखाती हूँ कि इस पेपर के जरिए आप क्या कर सकते हैं। इस पेपर के जरिए आपको बहुत सारी जो है सेफ्टी पिंस इसमें अरेंज हो जाएंगी। ये देखिए, आपको अगर साइज़ बाई साइज़ भी सारी सेफ्टी पिंस रखनी है तो आप एक लाइन से बहुत सारी पिंस अरेंज करके इसमें रख सकते हैं। अगर आपको कुछ भी ना मिले
तो ये पेपर तो आपको कभी भी कहीं भी मिल जाएगा। तो बैग में कभी भी रखना हो तो आप इन्हें जो पिंस को खाली रखने की वजह से किसी पेपर या किसी छोटे से कागज के टुकड़े में इसे अगर ये फंसा के रखेंगे तो आई थिंक ये आपको ज़्यादा जल्दी मिलेगा। और अगर आपको लगेगा कि आपके हाथ कटने का या चुभने का इसमें डर है खुलने का, तो आप इन्हें यूँ फोल्ड करके भी बहुत अच्छे से रख सकते हैं। और ये जैसे ही टुकड़ा मोटा हो जाएगा तो ये आपको मिलेगा भी आपके बैग में बहुत आसानी से, और ये सेफ भी हो गया, तो आपको ये खुल के चुभने का डर बिल्कुल भी नहीं सताएगा। द नेक्स्ट है कि अगर आपके पास स्पेस की कमी है या फिर ड्रॉर में अगर आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है तो आपको पिंस को कैसे अरेंज करना है। ये देखिए, ये छोटे से मैच बॉक्स में ये आपकी सारी सेफ्टी पिंस आ जाएगी, और आप इसे यूँ बंद करके भी, लोगों को लगेगा कि ये मैच बॉक्स है बट ये मैच बॉक्स के साथ साथ आपका सेफ्टी पिन होल्डर भी हो जाएगा, तो आप ये मैच बॉक्स भी बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं गाइज। इसमें भी आपको पिन को चुभने का जरा भी कोई टेंशन नहीं रहेगा, कोई डर नहीं रहेगा। और आप चाहे तो इसे कलर भी कर सकते हैं या फिर किसी पेपर से किसी से रैप भी कर सकते हैं। बस काम चलाओ के लिए अगर चाहिए तो आप इन्हें यूं ही यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कुछ ना मिले तो आप अपने ड्रेसिंग आना पर भी सिर्फ इस वाइट छोटे से क्यूट से कार्डबोर्ड के बॉक्स को लेकर के इसमें भी आप अपने सारे सेफ्टी पिन रख सकते हैं। ये देखिए, ये पिन लेकर के आप सारे पिंस को पहले यू अरेंज कर ले, क्योंकि हो सकता है कि इस कॉटन को लगाने के बाद में आपकी ये सारी पिंस ना भी लगे, तो ये पिंस आप पहले लगा लीजिए, उसके बाद में आप इसे यूँ कॉटन बॉल से अच्छे से कवर कर दिए, या फिर बॉबी पिन होल्डर कुशन या फिर पिन होल्डर केस मिलता है आप उनमें भी इन्हें अरेंज करके रख सकते हैं। एक तो ये आपको चुभने का कोई टेंशन नहीं रहेगा, दूसरा आप जब भी कभी हड़बड़ी में हो तो बस इसमें से एक पिन आपने यूँ निकाला और यूँ यूज़ कर लिया। पहले की हमारी दादी माई अभी भी होती हैं जो अपने गले की चेन में ज़्यादातर इनको लगाना पसंद करती है, पर ठीक है ना गाइस, वो देखने में इतना खूबसूरत नहीं लगता। तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कौन सा हैक सबसे अच्छा लगा और आप इनमें से कौन सा यूज़ करने वाले हैं। तो गाइज, आई होप आप सबको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और आई एम सो सॉरी कि मैं वीडियो अभी ज़्यादा नहीं अपलोड कर पा रही हूँ, क्योंकि एक मेरी छोटी बेबी भी है 3 साल की, तो उसकी भी थोड़ी सी केयर में मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। बट गाइज, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं मंथली 2 वीडियो ज़रूर डालूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।